और वो है जो दबने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि उसके पास मेरे किसी का योगदान नहीं है, सहयोग है। अगर योगदान है तो मेरे जीवन में सिर्फ मेरे जनता का पब्लिक का है, उसके दम पे मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और उनके दम पे ही कुछ बोलने की ताकत भी रखता हूँ। खेसारी लाल यादव के लिए पूरे बिहार बंद हो जाता है, ये लोगों का सम्मान ही तो है। तो जो करोड़ों के दिल में घूम रहा है, जो अरबों 70 से 80 करोड़ जनता के दिल में बसा हुआ है, जिसके लिए बिहार बंद हो जाता है, उसके लिए आपकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा खास नहीं है। आपकी अहमियत मेरे जीवन में नहीं है। आप लोग जो सोच रहे हैं ना, कुछ लोग, आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो मेरे लिए। प्लीज अभी बयानबाजी बंद कर दो। आप लोग आप करके दिखाओ, मुझे कोई परवाह नहीं होगा। आप अपनी जुबान से बोल के ऐसा क्या दिखाना चाहते हो? मैं गरीब का बेटा हूँ यार, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्ट्रगल करके आया हूँ, मैं लिट्टी बेचा हूँ, मैं दूध बेचा हूँ, इसीलिए गरीबों के दर्द में रहता हूँ, इसीलिए उनकी तकलीफों में रहता हूँ मैं। हाँ, मेरी पब्लिसिटी पब्लिक बढ़ रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा गाना गाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, ज्यादा गाना गाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, अच्छी सिनेमा कर देता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। संघर्ष में मेरी कोई उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उसके बाद कोई हिट सिनेमा बन जाती तो शायद मुझे भी अच्छा लगता। कि संघर्ष के बाद अगर कोई सुपर हिट मूवी बन जाती ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि हाँ यार, खेसारी के बाद ये करके दिखाया। तो जुबानी लड़ाई बंद करिए, काम करिए ना, थोड़ा सा फोकस कर दीजिए काम पे। मुझे लगता है जो काम पे फोकस करेंगे तो ज्यादा, आजकल हर आदमी के इंटरव्यू में खेसारी ही नजर आता है। मैं जहां नहीं भी रहता हूँ वहां भी मैं ही रहता हूँ। क्यों भाई, आपके पास अपना कोई काम नहीं है, अपना कोई मुद्दा नहीं है? बस आप लोगों के पास कुछ अपना है कि नहीं खेसारी के अलावा? तो प्लीज आप सब मेरे बड़े सम्मानित लोग हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। किसी एक छोटे से बच्चे को, किसी गरीब के बेटे को आप पूरी इंडस्ट्री इतना मत सता दो कि आदमी आत्महत्या कर ले। जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के साथ हिंदी के लोगों ने किया, वही काम अब भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के साथ शुरू हो गया। क्यों भाई, मेरे गाना ज्यादा चल रहे हैं तो मैं पब्लिक को कैसे रोकूं? इसमें क्या गलती है? मैं पब्लिक को कैसे रोक सकता हूँ? उनको मैं पसंद हूँ, उनके दिल पे राज करता हूँ, क्योंकि मैं उनके गोद में बैठता हूँ। पैसे से स्टार्डम कमाने का शौक मुझे नहीं है, मैं मेहनत करके अपना जीवन चलाता हूँ, 22 घंटा काम करता हूँ। क्या आप लोग नहीं जानते हैं? क्या ये पूरी इंडस्ट्री नहीं जानती है? क्या मुझे मैच करने के लिए ना 7 जन्म लेना पड़ेगा कुछ लोगों को, चाहे वो अपने आप को कुछ भी बोलते हो, मुझे मैच करके दिखाओ ना। आज तकलीफ हुई मुझे इस बात से, मैं गुस्सा ना होके ले गुस्सा भाई, गुस्सा होके कोनो कारण नहीं कहे गुस्सा होके। बट सारे के सारे एक मिनट में भाई, सारे के सारे पीछे ही पड़ रहे मेरे। क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का यार? रहने तो हो गया ना। आप बहुत ही बड़े हो, आप बहुत ही बड़े एक्टर हो, बहुत ही बड़े एक्ट्रेस हो, बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हो, बहुत ही बड़े कलाकार हो, चाहे बहुत ही बड़े गायक हो, तो भाई अपना काम करो ना यार, बड़ा बन के दिखाओ ना, काम से बन के दिखाओ। क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार? सबके सब आत्महत्या कराना चाहते हो क्या मुझसे? सब सारी एक आदमी सपोर्ट में खेसारी के खड़ा नहीं होता है, और चाहे मेरी गाना हो चाहे मेरी मूवी, और कोई बोलता तक नहीं है। क्यों मत बोलो मुझे, तुमसे नहीं चाहिए ये भीख में, नहीं चाहिए मुझे ये उम्मीद में लगा के, पूरी इंडस्ट्री से लगा के नहीं बैठा। मुझे पूरी इंडस्ट्री अगर दरकिनार कर दे तो मैं जिंदे के पैसा से अपने आप को साबित कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर करने की पावर है और क्षमता है और ताकत है। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब मत आप लोग मेरे बारे में। होने से फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन आपसे प्यार करता हूँ, सबके प्यार करता हूँ, सबके लिए मैंने किया है। जो बोल दे कि मैंने जितना सोचना था सोचा है, तो कम से कम यही तो चाहता हूँ आप सबकी। प्लीज मोहब्बत करिए मुझसे, मैं उतना बुरा नहीं हूँ जितना आपके दिल और दिमाग में।